तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं अमरावती का बौद्ध स्तूप। अमरावती का बौद्ध स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में स्थित एक खंडित स्तूप है, जिसे लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा बनवाया गया था। 25 रुपए का टिकट लेने के बाद आपको सीधा स्तूप कैंपस में जाने दिया जाता है। यह स्तूप एक हरे भरे उद्यान के बीचों बीच स्थित है। यहाँ स्थित स्तूप को शिलालेखों में स्तूप नहीं कहा गया है, बल्कि महाचेतिया कहा गया है, जिसका अर्थ महान अभ्यारण्य होता है। प्राचीन समय में इस स्तूप के आसपास घना जंगल हुआ करता था, जहाँ जंगली जानवर विचरण किया करते थे। लेकिन आज के समय यह स्तूप अमरावती गांव के ठीक बीचों बीच स्थित है। एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु हेन सियांग ने 640 ईस्वी में अमरावती के इस स्तूप का दर्शन किया और कुछ दिनों तक यहां अमरावती में रुके और अध्ययन किया। हेन सियांग ने इस स्थान पर स्थित मठों और कई विहारों के बारे में लिखा। 14वीं शताब्दी के अंत तक श्रीलंका और तिब्बत से प्राप्त पुस्तकों के अनुसार बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में अमरावती के इस स्तूप का वर्णन मिलता है। यही अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप है, जो कि गोलाई में बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, जो आप हमारे पीछे स्तूप देख पा रहे हैं, यही अमरावती का स्तूप है, जो कि तीसरी से चौथी शताब्दी का बताया जाता है। आज के समय ये स्तूप बहुत ही ज्यादा संरक्षित है। सन 1797 में मेजर कॉलिंग मैकेंजी द्वारा अमरावती दौरे के दौरान इस स्तूप की खोज की गई। कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित यह स्तूप आकार और ऊंचाई में बड़ा था, जो कि कई ईंटों और चूना पत्थर से बना था। इस महान स्तूप की खोज कर मैकेंजी वापस लौट गए। 1816 ईस्वी में जब मैकेंजी वापस आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के शक्तिशाली जमींदार वासी रेड्डी नायडू ने स्तूप की अंधाधुंध खुदाई करवा कर स्तूप से निकली ईंटों का प्रयोग घर बनाने में कर दिया था, जिससे कि यह स्तूप नष्ट हो गया। सन 1844 ईस्वी में इस स्तूप के आसपास खुदाई की गई, जहाँ विभिन्न मूर्तियाँ और शिलालेख प्राप्त हुए। इस समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो इन मूर्तियों और शिलालेखों को मुंबई, कलकत्ता और लंदन के म्यूजियम में रखा गया। पूरे भारत में तीन शैलियां बहुत प्रसिद्ध थीं: गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। अमरावती शैली से बनाई गई मूर्तियां बेहद ही नक्काशीदार और खूबसूरत हुआ करती थीं, जो कि इस स्तूप के आसपास खुदाई से प्राप्त हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि नक्काशीदार इन मूर्तियों को ब्रिटिशों ने लंदन के म्यूजियम भेज दिया था। प्राचीन समय में इस स्तूप के चारों ओर रेलिंग्स बनी थीं, जो कि आज के समय खुदाई से प्राप्त कुछ पत्थरों द्वारा बनाई गई हैं। ये रेलिंग मुख्यतः ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाई गई थीं। ग्रेनाइट पत्थर की एक खास बात यह होती है कि ये बहुत ही मजबूत और चमकदार होता है। आज के समय यह स्तूप पुरातत्व विभाग के अंदर है, साथ ही साथ संग्रहालय भी। अमरावती के इस स्तूप को आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। लगभग 50 मीटर व्यास वाले इस स्तूप पर 4 आयताकार मंच हुआ करते थे, जो कि 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व किया करते थे। इस मंच के 5 स्तंभ गौतम बुद्ध के जीवन की 5 घटनाओं, जन्म, त्याग, ज्ञान, उपदेश और निर्वाण को दर्शाते हैं। अमरावती के इस स्तूप के आसपास कई समाधियां भी बनी देखी जा सकती हैं। ये समाधियां सांची स्तूप की तरह यहां ध्यान करने वाले बौद्ध भिक्षुओं की ही है। ये आयताकार चबूतरे पर गोलाकार समाधि भी ईंटों द्वारा बनाई गई हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अमरावती स्थित हमने आपको स्तूप के दर्शन कराए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।